मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक दिवसीय दौरे पर नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। इसके बाद सीएम रावत ने ऐतिहासिक नानकमत्ता गुरुद्वारे में मत्था टेका। वहीं इसके बाद गुरुद्वारा के दीवान हॉल में देर कार सेवा की गुरुमत समागम में भी शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान नानकमत्ता गुरुद्वारा परिसर में ही पार्किंग और थारो विकास भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इस दौरान कहा कि अमावस्या के पवित्र दिन नानकमत्ता गुरुद्वारे के दर्शन करने आए हैं। साथ ही कहा कि ये दिन सिख धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। पवित्र दिन है, अमावस्या का दिन है और हमारा जो सिख पंथ है अमावस्या का इसमें विशेष महत्व है। इसलिए मैं सभी जो अनुयायी हैं, जो भक्त लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, गुरु नानक देव जी का 550वां वर्ष चल रहा है और उसको पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसकी भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर एक पार्किंग और एक थारू कल्याण भवन का यहाँ पर आज शिलान्यास किया जाएगा, जो लगभग 3 करोड़ की लागत से उनको बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि देश भर में गुरु नानक जी के 350वें वर्ष को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, धन सिंह रावत, विधायक पुष्कर धामी और प्रेम सिंह राणा भी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से यामिन मलिक की रिपोर्ट।